दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि संघर्ष जितना कठिन होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है। और ऐसा ही कुछ साबित करके दिखाया है भारत के सबसे जाने माने यूट्यूबर्स में से एक आशीष चंचलानी ने, जिन्होंने यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियोस से अपना एक अलग ही एम्पायर खड़ा कर लिया है। हालांकि एक समय आशीष चंचलानी को उनके मोटापे की वजह से स्टेज प्ले से बाहर कर दिया जाता था, लेकिन कैसे अपनी काबिलियत से उन्होंने सबका दिल जीता और लाखों लोगों को अपनी कॉमेडी का दीवाना बनाया, आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 7 दिसंबर 1993 से, जब आशीष चंचलानी का जन्म मुंबई के उल्लासनगर में हुआ। उनके पिता का नाम अनिल चंचलानी है, जिनका मुंबई में ही एक मल्टीप्लेक्स है। वहीं उनकी माँ का नाम दीपा चंचलानी है, जो कि फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर काम करती हैं। इसके अलावा उनकी एक बहन भी है, जिनका नाम मुस्कान चंचलानी है, और वह भी एक यूट्यूबर है, जो कि मिस मैक ब्लश नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाती है। और दोस्तों, अगर हम बात करें आशीष की, तो वह बचपन से ही फिल्मों के काफी शौकीन थे और उनका सपना था कि वह बड़े होकर एक एक्टर बने। साथ ही आशीष बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार से भी काफी प्रभावित थे और उन्होंने अक्षय कुमार को ही अपना गुरु मान लिया था। वैसे एक्टिंग के शौक के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई लिखाई पर भी पूरा ध्यान दिया, लेकिन शुरू से ही वह काफी शर्मीले थे। साथ ही हेल्थ में भी थोड़े मोटे होने की वजह से उन्हें स्कूल में होने वाले फंक्शंस में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल पाता था। लेकिन आशीष हमेशा से ही एक्टिंग के लिए काफी उत्साहित रहते। और फिर इसी तरह से एक दिन वह अपने क्लासरूम में एक टीचर की जब मिमिक्री कर रहे थे, तब किसी स्कूल के स्टाफ ने ही उन्हें देख लिया था और फिर नकल उतारने के लिए उन्हें डांट भी पड़ी थी। हालांकि उनकी एक्टिंग से वह काफी प्रभावित थे और इसी वजह से उन्होंने आशीष को भी स्कूल के फंक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा। और फिर एक कैरेक्टर को परफॉर्म करने के लिए आशीष को भी एक डायलॉग का स्क्रिप्ट दे दिया गया। लेकिन दोस्तों, आशीष ने बस एक बार डायलॉग को पढ़ा और फिर अपने तरीके से उन्होंने लाइंस को बदलते हुए लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। और फिर स्कूल के सभी स्टाफ आशीष के इस परफॉर्मेंस से काफी प्रभावित हुए। साथ ही आशीष चंचलानी को भी इस प्ले से काफी मोटिवेशन मिली थी। और फिर इसी तरह से आगे भी आशीष को स्कूल के फंक्शंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता गया और उन्होंने अपनी एक्टिंग और फनी अंदाज से लोगों को खूब एंटरटेन भी किया। हालांकि एक्टिंग का कीड़ा आशीष के अंदर कुछ इस तरीके से घर कर गया था कि हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद से आशीष ने अपने पिता को यह कह दिया कि उनका पढ़ाई लिखाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता और वह आगे चलकर एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। हालांकि आशीष के पिता यह बात अच्छी तरीके से जानते थे कि एक्टिंग का करियर इतना आसान नहीं है और बिना पढ़ाई लिखाई के तो यह और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। और फिर अनिल चंचलानी ने अपने बेटे को एजुकेशन के महत्व को समझाया और फिर आशीष को भी यह बात समझ आ गई थी कि जिंदगी में सफलता से आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और फिर आगे चलकर आशीष ने 12वीं क्लास अच्छे नंबर से पास करने के बाद से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मुंबई स्थित दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। हालांकि इंजीनियरिंग के पढ़ाई के दौरान भी उनका मन ज़्यादा नहीं लगता था, लेकिन एक बार फिर से मम्मी पापा के समझाने पर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। लेकिन साथ ही बैरी जॉन के एक्टिंग स्कूल में उन्होंने एक्टिंग सीखते हुए खुद को इम्प्रूव भी किया। और फिर इसी बीच आशीष ने अपने फेसबुक फीड में 6 सेकेंड की कॉमेडी वाइन देखी और फिर इस कॉमेडी वीडियो को देखने के बाद से पहले तो वह काफ़ी देर तक हंसते रहे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना वह भी इस तरह के वीडियोज़ बनाए। और दोस्तों, यही टाइम आशीष के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि अब आशीष भी कई सारे कॉमेडी वीडियोज़ बनाने लगे और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करने लगे। हालांकि शुरुआत तो उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम से की थी, लेकिन बाद में अच्छे रिस्पॉन्स के चलते उन्होंने 2014 में यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, इन सभी के बीच वह अपने कॉलेज के इवेंट हेड बना दिए गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे इवेंट्स को होस्ट भी किया है। हालांकि यूट्यूब पर आने के बाद से वह दिन ब दिन काफ़ी फेमस होते गए और उनकी यूनिक और फनी कंटेंट लोगों को भी खूब पसंद आई। और दोस्तों, आशीष चंचलानी आज भारत के चौथे और महाराष्ट्र के पहले इंडिविजुअल यूट्यूब क्रिएटर हैं जिनके पास डायमंड प्ले बटन है। और दोस्तों, इन सब के अलावा आशीष ने अपने रोल मॉडल अक्षय कुमार को भी अपनी वीडियो के अंदर फीचर किया है। और दोस्तों, आशीष चंचलानी की फैन फॉलोइंग का अंदाजा आप उनके सब्सक्राइबर्स को देखकर ही लगा सकते हैं। हालांकि अगर आशीष चाहते तो अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाकर एक अच्छा जीवन गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद से कुछ बड़ा करने का ठाना
और अपने पैशन को फॉलो करते हुए उन्होंने सफलता हासिल की। वैसे दोस्तों आज के इस वीडियो में तो इतना ही था, लेकिन आप हमारे नए चैनल लाइव हिंदी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अब लाइव हिंदी यानी कि इस चैनल पर सिर्फ आपको बायोग्राफी और सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी। बाकी फैक्ट्स से संबंधित नॉलेजफुल वीडियोस अब मैं अपने दूसरे चैनल लाइव हिंदी फैक्ट्स पर अपलोड करूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों मैंने कल शाम को इस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बनाकर अपने दूसरे चैनल पर अपलोड की है कि आखिर जापान के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कैसे जीते हैं, तो उसे भी देखना ना भूलिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।